तो जी पटना में एक ऐसी अम्मा है जो कि पिछले 50-60 साल से बेच रही हैं बहुत ही बेहतरीन जायका, और वो भी मात्र 1 रुपए के अंदर। तो मैं इस समय आ गया हूँ महिंद्रू मोहल्ला पटना के अंदर, और मेरे को पता चला है कि जो अम्मा है ना वो बहुत ही बेहतरीन जायका बेचती हैं। क्या बेचती हैं, कैसे बेचती हैं, कैसे बनाती हैं, आइए चलते हैं इनके पास, जानते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। नमस्ते। तो अम्मा आप सुबह शुरू करते हैं काम करना, कितने बजे? 4 बजे शाम में। 4 बजे और सुबह कितने बजे? शाम के। अच्छा शाम में ही करते हैं, सुबह नहीं करते हैं। टाइम मिलता है टाइम। अच्छा जब टाइम मिलता है भाई तब अपनी सहूलियत के हिसाब से अम्मा यहाँ काम करती हैं। और उम्र 90 पार है इनकी, और अभी भी देखिए किस तरीके से बैठी हैं, मेहनत कर रही हैं, और एक्सपीरियंस इनका बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अम्मा कितने साल हुए आपको काम करते हुए? नहीं। अच्छा उतना याद नहीं है आपने। क्या क्या बनाते हैं? घुगनी चना के। घुगनी और कचरी और क्या बनाते हैं? आलू चॉप। आलू चॉप भी? लिट्टी। लिट्टी क्या कीमत है इसका? एक रुपए का एक। कुछ भी ले ले, लिट्टी चॉप कचरी सब कुछ 1 रुपए का 1। अरे भाई मतलब इस महंगाई के जमाने में आप हिसाब लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे 3-4 आइटम बनाती हैं, और आप कोई सी भी आइटम इनकी दुकान से ले लीजिए आपको मात्र 1 रुपया खर्चना होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया। इस 21वीं सदी में क्या अहमियत रखता है ना ये आप जानते हैं। अम्मा का जो सेटअप है वो तैयार होने के लिए यहाँ पे रेडी है, और देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये आग को बालती हैं, काउडंग डालती हैं, उसके बाद कोयला डालती हैं, और उसके बाद जितनी भी कुकिंग होती है ना यहाँ पे वो सारी की सारी इसी भट्टी पे की जाती है इनके द्वारा। तो ये देखिए जी अम्मा जो है यहाँ पे अब मैदा जो है सान रही हैं, यानी कि मैदे को गूंद रही हैं, और मैदे के अंदर इन्होंने थोड़ा सा तेल डाला है, उसके बाद नमक डाला है, और अभी ये क्या डाल रही हैं? सोडा। नाम क्या हुआ आपका? गोविंदा। गोविंदा नाम है आपका? भैया अम्मा का नाम हुआ गोविंदा, और देखिए किस तरीके से यहाँ पे मैदे को जो है ये गूंद रही हैं। अब ये किसके लिए आटा गूंद रहे हैं? कचौड़ी के। कचौड़ी के लिए? अच्छा तो सबके लिए आटा लगाना पड़ता है अलग अलग। तो ये देखिए जी अभी कचौड़ी के लिए जो मैदा है उसको गूंदा जा रहा है, और हर चीज़ का इनको अंदाज़ा हो चुका है भाई, इतना सारा एक्सपीरियंस है। और वैसे भी हम लोग अपनी नानी अपने दादी के हाथों से जो खाना खाते हैं वो इतना ज़्यादा स्वाद होता है ना कि हमें कभी कोई संकोच नहीं होता कि इसका फ्लेवर कैसा होगा। तो भाई अम्मा जी यहाँ बैठी हैं, और मुझे पता चला है कि इनका एक बेटा है, इनकी एक बेटी है जिनसे आगे उनको 4 बेटे हैं, तो उनके 4 बेटे, इनकी बेटी और साथ में आपके बच्चे सब यही रहते हैं आपके साथ? सबकी नानी माँ हैं आप? नानी है सबकी, तो सबकी नानी माँ है ये, और बहुत बड़ा परिवार है इनका। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मैंने इनको बोला कि आप ना आराम करा करिए, इतनी आपकी उम्र हो गई है, तो बोलती है अब अगर हम आराम करते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, हमें आराम नहीं करना है, आराम करके हम बीमार हो जाते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं फिर कमर में दर्द होती है, टांगों में दर्द होती है, इसलिए हम आते हैं काम करते हैं और खाते भी फिर मौज में हैं यहाँ बैठ के। इनकी मेरे को ये आंटी बता रही है कि खाती भी फिर ये मौज में जब अपना काम खुद करती है, और अगर इनको बोल दिया आप काम मत करिए तो बोलती है फिर मुझे कुछ खाना पीना मत दीजिए, मेरे को खाना पीना नहीं खाना है। अब ये देखिए इनकी कढ़ाई सज चुकी है, यहाँ पे क्या बनाएंगे? लिट्टी। लिट्टी कचरी बनाएंगे। अम्मा एक बात बताओ, आपका ये नाम गोविंदा किसने रखा? यही नाम है, नाम ही यही है, माँ बाप ने नाम गोविंदा रखा। पूरा नाम क्या बोलते हैं? यही नाम है गोविंदा। अरे बहुत ही प्यारा नाम है आपका। वन वुमेन आर्मी है ये, खुद ही सारा काम करती हैं, और आप जितना भी सेटअप देख रहे हैं ना खुद तैयार करती हैं, आग जलाने से लेके तेल गर्म करने तक, उसके बाद पकौड़ी बनाने से लेके सर्व करने तक हर चीज़ ये खुद करती हैं। ये दाल का कचरी है, तो इसमें क्या क्या डालते हैं? चाय लहसुन आदि। अच्छा ये कौन सा दाल है अम्मा? कचौड़ी। अच्छा वाह, तो देखिए जी यहाँ पे जो है ये अब कचरी तैयार कर रही हैं, और छोटी छोटी एकदम हाथ से
पकौड़ियाँ जो होती हैं जिसको हम बोलते हैं दाल की पकौड़ी, ये दाल की पकौड़ी तैयार हो रही है यहाँ पे। बहुत कुछ जाता है इसमें, प्याज है, मसाले हैं, दाल है, भीगी हुई दाल को पीस के इन्होंने इसमें डाला है, ऊपर से तिल के दाने हैं, हरी मिर्ची है, और ये भी 1 रुपए की 1 पकौड़ी है। इसको कैसे चटनी के साथ देते हैं? ऐसे ही देते हैं। तो देखिए जी, गोविंदा आंटी हमारी ये यहाँ पे हैं जो काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं लगन से, और मतलब यार यहाँ पे आके ना मुझे इतना कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में कि इतनी उम्र के अंदर भी मेहनत कर रही हैं। और कितनी छोटी छोटी देखिए कचौड़ियाँ यहाँ पे तैयार कर रही हैं अम्मा, और 1 रुपए की 1 कचौड़ी है ये, और इसको ये सर्व करती हैं आलू की सब्ज़ी के साथ। तो 10 रुपए की 10 कचौड़ी लीजिए, साथ में आलू की सब्जी लीजिए, और साथ में अम्मा का बहुत सारा प्यार लीजिए, है ना अम्मा? अम्मा प्यार लीजिए ना, कितना सारा? पूरा। हाँ पूरा, क्या बात। तो ये देखिए जी, यहाँ पे जो कचरी है वो तैयार हो गया है। 5 रुपए का कितना पीस आएगा? 10 पीस आएगा अम्मा? 20 पीस आएगा? वाह। तो ये आप मैदा लेते हैं, फिर आटा लेते हैं, फिर पिट्ठी भरते हैं सत्तू के साथ? सत्तू के साथ पिट्ठी भरते हैं। अच्छा, तो आपको पेंशन आता है क्या? कितना लगभग आता है महीने का पेंशन? 400 रुपये पेंशन बस? अरे, और आप यहाँ पे कितना कमा लेते हैं रोज़ाना? अच्छा, कभी काम है या कभी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ सेट नहीं है कि कितना कमाते हैं दिन में? तो जिसकी जितनी डिमांड है, जितनी मांग है, वो उस हिसाब से अपनी जेब के हिसाब से इनसे लेके जाते हैं, और किसी को ये ना नहीं करती हैं, बहुत प्यार से बहुत प्रेम से खिलाती हैं, और ये भी बताती हैं कि अगर कोई आता है, कोई कहता है कि हमें भूख लगी है, तो उसको ये ऐसे ही दे देती है। देखिए मतलब कितनी बड़ी बात है कि हर चीज़ की जहमत और हर चीज़ की इनको परख है कि यार भूख से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तो जी, जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पे ये बैठी हैं, तो मैं भी इनके साथ थोड़ी बातें करने के लिए बैठ गया और सीखने के लिए बैठ गया। तो बहुत ही ज़्यादा डीप में मुझे ले गई और मुझे बता रही है कि ऐसे मैंने शुरुआत की और फिर मैंने उसको बनाना शुरू किया, और मैं जो भी यहाँ पे मेरे पास आता ना, मैं बस चाहती हूँ कि वो पेट भर के जाए और यहाँ से मुस्कुरा के जाए, बस यही मेरी कोशिश रहती है। 90 ईयर्स में भी ये सोचती है, पूछता रह गया मैं कि आप आराम कर लिया करो, तो बोलती है मैं अपने टाइम पे आराम कर लेती हूँ, लेकिन मुझे काम भी करना है क्योंकि मुझे मज़ा आता है। मुस्कुराइए ज़रा, दांत दिखने चाहिए जैसे हम बोलते हैं, दिखाइए दिखाइए। हाँ, ये देखिए भाई, दिस इज़ वाई आई लव माय जॉब, और इसीलिए ना मेरे को बाहर निकल के ऐसे लोगों से मिल के और इनकी कहानियाँ आप तक पहुँचा के ना बहुत मज़ा आता है। तो जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार है। तो राजकुमार जी, कब से आ रहे हैं अम्मा के पास? अम्मा के पास तो हम 5-6 साल से आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या खाना पसंद करते हैं इनके हाथ का? इनके हाथ का आलू चॉप सबसे ज़्यादा पसंद होता है। तो जी, सम मील्स आर स्पेशल, सम आर वेरी स्पेशल, एंड सम आर एक्स्ट्रा स्पेशल। तो ये है जी एक्स्ट्रा स्पेशल हमारे लिए, क्योंकि मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि एक गलियारा बना हुआ है और उसके बीच में एक अम्मा बैठी हैं जो कि 90 ईयर्स की हैं, और उसके बाद यहाँ शाम में बैठ के दुकान को सजाती हैं, और उसके बाद फिर ग्राहकों को ये माल बेचती हैं, अपना सौदा बेचती हैं, और कीमत आप जान ही चुके हैं कि कितनी सस्ती है। 1 रुपए की आपको यहाँ पे ये लिट्टी कह लीजिए या कचौरी या कचरी कह लीजिए, उसके बाद ये 5 रुपए के अंदर 20 आपको ये मिलती हैं जो कि आप दाल की पकौड़ी कह लीजिए, नाम कुछ भी दे लीजिए, या उसके बाद आपको ये 1 रुपए का 1 ये आलू चॉप मिलता है। सबसे पहले आलू चॉप खाऊँगा, फिर दाल की पकौड़ी खाऊँगा, फिर लिट्टी खाऊँगा, और साथ में बताऊँगा कि कैसा स्वाद है। वाह, दाल की पकौड़ी और अब ये लिट्टी या कचौड़ी। हम लोग ना अक्सर कहते हैं कि हमारी दादी की रेसिपी, हमारी नानी की रेसिपी, हमारी परदादी की रेसिपी, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उनके हाथ में शफा होती है ना भाई, वो तो अनबीटेबल है। यही इनके साथ है, मतलब क्या तारीफ करूं मैं इन इस आलू चॉप की, या फिर इस पकौड़ी की, या फिर इस लिट्टी की। अगर कोई मेरे को कहे ना कि नंबर दो आप 10 में दो, तो भाई मैं 100 नंबर दे दूँगा, 10 में से 100 नंबर। लाजवाब स्वाद है, फुल ऑफ फ्लेवर्स है, और बहुत सारा प्यार और इनका आशीर्वाद है। कभी भी पटना आए, एक बार अम्मा के पास आइएगा, बातें कीजिएगा, खाना खाइएगा, और मुस्कुरा के वापस जाइएगा। स्पेशल वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा इनको सपोर्ट मिलेगा, उतना ज़्यादा इनकी हिम्मत बढ़ेगी,
और उतना ज़्यादा सौदा ये बेच पाएंगी। तो आइएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो को पहुंचा दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने भाई अपने बहनों तक, और अम्मा के बारे में उनको भी जानकारी दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू ऑल।